हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और वीडियो के थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। जी हाँ, आज मैं करने वाला हूँ बेस बैरल 4.1 होम थिएटर की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ध्यान रखें, नोटिफिकेशन बिल की सेटिंग या बॉल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा होम थिएटर जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और इसकी जो प्राइस है वो मुझे 4599 में मिली है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और काफी हैवी पैकेजिंग है इसकी, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। फोन का भरपूर यूज किया गया है सेफ्टी पर्पज के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिलता होगा। ब्रांडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे बेस बैरल का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात मेड इन इंडिया है, तो इंडिया की कंपनी है। साथ में आपको 4.1 कंप्यूटर मल्टीमीडिया पावरफुल सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है विद माइक कनेक्टिविटी, जैसा कि ब्रांड बॉक्स में यहाँ पे मेंशन भी किया गया। और इसके अलावा इस पे ब्रांड बॉक्स में कुछ इसके फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, लाइक कंप्यूटर, एलईडी टीवी, आईपॉड, यूएसबी, प्लेस्टेशन, स्मार्टफोन, मतलब कि सारी चीजों के लिए कंफर्टेबल है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कहाँ करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ये रहा क्विक स्टार्ट गाइड, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, फिर आप मैं कर लेता हूँ उसको साइड पे। इसके अलावा एक यूजर मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है, इसको भी मैं रख लेता हूँ साइड पे। तो इसमें हमको टोटल इस तरीके के चार स्पीकर्स दिए गए हैं, 4.1 चैनल है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें चार स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा एक रिमोट हमको ना इसमें देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और ये रहा हमारा होम थिएटर। फिर हाँ, मैं बॉक्स को रख लेता हूँ साइड पे। तो काफी अच्छी पैकेजिंग, आपको ब्लूटूथ के भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और एक यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और इसमें कनेक्टिव फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि माइक के लिए है। और इसके अलावा बेस और भी कुछ स्विचेस दिए गए, लाइक प्ले पॉज, मोड्स, प्रीवियस, नेक्स्ट, और सामने देख सकते हैं एक वूफर। इसके अलावा चार यहाँ पे आपको स्पीकर इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम इन स्पीकर को कनेक्ट करते हैं और इसका जो साउंड टेस्ट है वो भी हम कर लेते हैं। सो गाइस, सारे स्पीकर्स को हमने कनेक्ट कर लिया हमारे होम थिएटर से। इसके अलावा जो ब्लूटूथ मोड है उसमें भी हमने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए एक म्यूजिक प्ले करके मैं आपको इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। Tonight.
और बात की जाए अगर रिमोट की, तो रिमोट में आपको मोड्स के, इसके अलावा पावर के, म्यूट के, रिपीट, और यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी गई है। इसके अलावा वॉल्यूम, प्रीवियस, नेक्स्ट के यहाँ पे आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मोड्स हैं। एक ऑफ का मोड हो गया, अगेन आप अगर मोड का ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे आपको तीन मोड्स दिए गए, एक ऑक्स हो गया, इसके अलावा ब्लूटूथ हो गया, इसके अलावा आपको FM का मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी आपने खुद टेस्ट कर ली होगी। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम के स्विच पे यहाँ पे आपको एक डेराल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप अपने होम थिएटर पे माइक का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक माइक का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा माइक के वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे अलग से एक स्विच यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया और आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।